आने वाले 5 से 6 दिनों में किस तरह रहेगा मौसम का हाल, हमारे साथ मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट आरके जैनामणि जी हैं बातचीत करने के लिए। आरके जैनामणि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार सर। अगले अगर 5 से 6 दिन की बात की जाए, क्योंकि अभी कल परसों और इससे पहले बारिश काफी ज्यादा हुई थी, तो आने वाले जो दिन है वो किस तरीके के रहेंगे? देखिए, जो मेन जो बारिश है वो तो राजस्थान मध्य प्रदेश में हुआ था, काफी मतलब लंबा हुआ, जो 7-8 दिन तक चला। और बाकी उसी का जो हमारा एक होता है सिस्टम होता है, मानसून ट्रफ होता है, वो दिल्ली के आसपास था, इसलिए पिछले 2 दिन में छुटपुट बारिश हो रहा है। फरीदाबाद में कल थोड़ा ज्यादा बारिश हुआ, नहीं तो मेजर स्पेल नहीं है। लेकिन अभी आगे जो कंडीशन बन रहा है, कोई मेजर सिस्टम नहीं है, या बंगाल का खाड़ी में या अरबियन सी में कहीं भी नहीं है, तो इसलिए मानसून जो है अभी वीक फेज पर आ रहा है और ऑलरेडी शुरू हो गया। और इसके चलते जो हमारा जो अगले 5-6 दिन है, दिल्ली में तो बारिश कम हो जाएगा और उसी के साथ साथ पंजाब हरियाणा ऑलरेडी कम हो गया, पंजाब में भी कोई ज्यादा बारिश होने का उम्मीद नहीं है, राजस्थान भी कम हो जाएगा। इसी के साथ जो वीक मानसून शुरू हो रहा है कल से, और ये 5-6 दिन चलेगा। और वीक मानसून का जो नतीजा है यही है कि जो मेजर पार्ट ऑफ इंडिया है, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र, सेंट्रल इंडिया, कहीं भी बारिश जो है कम होगा। और लेकिन हमारा पूर्वोत्तर राज्य बिहार और पूर्व उत्तर उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, वहाँ रेन बढ़ेगा अगले 5-6 दिन, और बंगाल में भी थोड़ा बारिश हैवी रेन हो सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों की आपने बात की, तो बिहार जैसे बाढ़ की चपेट में है, उत्तर पूर्वी प्रदेश है, वो भी एक तरीके से लगातार बारिश उसमें आ रही है, तो इन दो राज्यों में भी आने वाले दिनों में क्या हैवी रेन होना? इन्हीं में हम लोग जो है ऑरेंज का ऑरेंज कलर रखे हैं, क्योंकि अभी जो इंडिकेशन है इसमें बारिश बढ़ेगा, और इसमें वार्निंग हम भी इश्यू किया है पूर्वोत्तर राज्य और बिहार और जो उत्तर हिस्सा है, जो पहाड़ी इलाका है पूर्व प्रदेश का, जो हिमालय के साथ साथ है, और उत्तराखंड में भी एक या दो जगह पर हैवी रेनफॉल हो पा रहा है, लेकिन उत्तराखंड में ज्यादा नहीं है, जो सबसे ज्यादा बिहार और पूर्वोत्तर राज्य में है, जैसे मौसिनराम है जो ज्यादा माना जाता है बारिश के लिए, अभी बढ़ेगा ये सब जगह में, चेरापूंजी है, काफी लंबा दिन इस जगह में बारिश नहीं हुआ, ये सभी को जानकारी में होगा कि जो जुलाई महीना है वो ज्यादा जो बारिश था महाराष्ट्र में हुआ था, और जो अगस्त का फर्स्ट वीक है वो ज्यादा हुआ था मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुआ था। पूर्वोत्तर राज्य जो है काफी दिन हो गया बारिश हैवी रेन ज्यादा नहीं हुआ, अब ये आगे आगे 5-6 दिन वो जो है यही इलाका में हैवी रेन होगा, क्योंकि अभी कन्वर्जेंस यही एरिया में है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में जो तापमान था उसमें भी गिरावट देखी गई थी, आपने कहा कि अगले 5 से 6 दिन मानसून कमजोर रहेगा, यानी तापमान बढ़ेगा फिर, या फिर तापमान कितने कितना रहने की उम्मीद है? देखिए, अभी तो अगस्त महीने में ऐसे भी तापमान जो है कम होना शुरू हो जाता है जून जुलाई का तुलना में, और उसी के साथ साथ बारिश भी जुलाई में और अगस्त फर्स्ट वीक में अच्छा हुआ है, तो सॉयल थोड़ा रहेगा, वेट रहेगा, तो इसके बाद तापमान का कोई इंपैक्ट नहीं है, लेकिन बारिश कम हो गया अगले 5 दिन तक। नया स्पेल जो है 16 तारीख या कुछ ऐसे, अभी तो बोलना मुश्किल है, लेकिन अगले 3-4 दिन में तो बारिश का कम संभावना है, 14 तारीख तक अभी कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, स्काई भी थोड़ा थोड़ा ओपन अप होने लगेगा, धूप निकलेगा दिल्ली में। यानी ये ना माना जाए कि आज से 14 तारीख तक बारिश की उम्मीद ज्यादा ना देखे दिल्ली वाले, दिल्ली बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल यही है अभी, क्योंकि जो मेन सिस्टम है वो ऐसे कुछ नहीं है अभी, ना बंगाल का खाड़ी में है ना सेंट्रल इंडिया में है, जो कुछ है पूर्वोत्तर राज्य और उत्तर प्रदेश में ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, पंजाब के सीटीवी नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सर।